तो गाइस यार आज की वीडियो में हम लोग चुराने वाले सारे के सारे सोनिक सूट्स को। उसमें से तीन सूट मैंने ऑलरेडी चुरा लिए, पर अभी भी तीन खतरनाक सूट चुराना बाकी है। तो हम उन तीनों सूट को चुराने वाले, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शुरू करते हैं। तो गाइस यार ये है वो तीन सूट जो कि मैंने ऑलरेडी चुरा लिए। मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैसे कैसे चुराया। तो ये जो ग्रीन वाला सूट है वो मैंने चुराया है हल्के घर से। तो मैं गया था हल्के घर पे, वहां पे मुझे एक ग्रीन कलर का सोनिक दिखा, तो मैंने फटाफट से यार अपना बैट निकाला और हल्क को यार मारना शुरू कर दिया। और हल्क को मार के उधर ही बेहोश करके और फिर उस सूट को अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने कलेक्शन में जाके ऐड कर लिया। अब ये मैं येलो वाला सूट कहां से लाया वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने लगाई थी फ्लैश से एक रेस, हम दोनों ने एक रेस ट्रैक पे रेस लगाई थी और मैं यार फ्लैश से बहुत ही आगे चल रहा था, फ्लैश मेरे से पीछे चल रहा था। और यार फ्लैश ने मेरे से शर्त लगाई थी अगर मैं उसे जीत गया तो वो मुझे सोनिक गिफ्ट कर देगा, और वही हुआ, मैं जीत गया और सोनिक मुझे मिल गया और फ्लैश बहुत ही नाराज हो गया। और अब मैं आपको बताता हूं कि हमको ब्लू वाला सोनिक कैसे मिला। मैं यार एक जने से यार ये सोनिक खरीदने वाला था $1,00,000 में, पर वो बंदा मान नहीं रहा था, वो बोल रहा था कि उसको बेचना ही नहीं है। तो फिर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और मैंने निकाली अपनी गन, उस बंदे को बोला देता है कि नहीं, फिर भी उसने मना किया तो फिर सीधा मैंने उसको मार दिया। तो मेरे $1,00,000 मेरे को मिल गया और सोनिक भी मुझे मिल गया। तो ऐसे ही हमारे तीनों के तीनों सूट हमारी कलेक्शन में ऐड हो चुके हैं। पर अभी भी यार तीन खतरनाक सूट यार अभी भी लॉस सेंटोस में हैं जो कि मुझे अभी चुराने। तो अभी मैं जाने वाला हूं सारे के सारे उन सूट को ढूंढने और चुराने और अपनी कलेक्शन में ऐड करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे वो सूट जल्दी मिल जाए तो फटाफट जाके लिख दो सोनिक ओपी और अपन चलते अपने सूट की तरफ। तो यार अभी मैं आ चुका अपने पहले सूट की तरफ। यहां पे मुझे एक सूट मिलने वाला है वो कि जंगल के अंदर, मुझे यहां पे ढूंढना पड़ेगा। एक सेकंड, उस ब्रिज के नीचे मुझे कुछ दिख रहा है, क्या वो सोनिक है? लगता है मुझे सोनिक मिल भी गया। अरे हां भाई, ये तो सोनिक है। अरे भाई साहब अभी तो वही है, ये है भाई साहब स्पाइडर सोनिक, ये सबसे ज्यादा खतरनाक वाला सोनिक है। अभी आपको दिखाता हूं, ये देखो भाई कितना ज्यादा मस्त है स्पाइडर सोनिक, भाई कितना ज्यादा मस्त लग रहा है ये। तो अभी इस फटाफट सूट को ले लेते हैं और चलते अपने कलेक्शन में ऐड कर लेते हैं। अरे स्पाइडरमैन, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, ये ले। अरे कौन है भाई ये? अरे मैं स्पाइडरमैन नहीं हूँ। स्पाइडरमैन ये ले, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अबे पागल, मैं स्पाइडरमैन नहीं हूँ। अबे ये गेंडा कौन है? अबे ये तो राइनो है। अबे ये तो स्पाइडरमैन का बहुत ही बड़ा दुश्मन है। अरे भाई साहब ये तो मुझे स्पाइडरमैन समझ रहा है। अरे मैं स्पाइडर सोनिक हूँ। अरे भाई साहब अपन को इसको लगता है खत्म करना पड़ेगा वरना ये तो मेरे पीछे पड़ जाएगा। अबे ये तो मारे जा रहा है पागल साले गेंडे, निकल यहाँ से। तो गाइस यार अभी मुझे लगता है इस राइनो को मुझे खत्म करना पड़ेगा। तो गाइस यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट जाके लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस ऑल पे सेट कर देना। अभी उस राइनो को फटाफट से खत्म करते, सारे निकल यहाँ से गेंडे तू मुझे मारेगा। मुझे लगा था कि सिर्फ यार मेरे पास सोनिक मतलब तेज भागने वाली शक्ति होगी, पर इसके पास तो स्पाइडरमैन वाली शक्ति अभी कितना ज्यादा खतरनाक है। अभी इस फटाफट से राइनो को खत्म करते और ये राइनो मुझे पता नहीं कहां लगे, पूरी पूरी गैंग आ चुकी है इनकी जो कि मुझे मारे जा रहे। मुझे लगता है स्पाइडी ड्रोन निकालने का टाइम आ चुका है, फटाफट से अपन ड्रोन निकालते। ये मेरे ड्रोन उसको पूरा करंट मार के खत्म कर देगी। मारो मेरे ड्रोन, और ये राइनो को तो खत्म भी कर दिया मेरे ड्रोन ने। और यहाँ पे इन यार गंदे लड़कों को भी मार लेते, ये टुच्चे मेरा कुछ नहीं कर सकते, मेरे ड्रोन इनको आराम से खत्म कर देंगे। पर इनको मारने में कुछ अलग ही मजा रहा है, स्पाइडरमैन की पावर से बहुत ही ज्यादा मस्त है। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ एक गोल्ड फैक्ट्री में। मुझे पता चला है कि यहाँ पे साइंटिस्ट मिलकर गोल्ड का सोनिक बना रहे हैं। अभी आप देखो सामने कितना सारा गोल्ड बना है, तो मुझे चुपचाप करके कैसे भी जाना पड़ेगा और उस गोल्ड वाले सोनिक को अपने कलेक्शन में ऐड करना ही पड़ेगा। अभी हमारे पास चार सोनिक हो चुके हैं, अभी हमें पाँचवा सोनिक लेने आ चुके हैं। और सामने देख सकते हो कुछ ना कुछ तो हो रहा है, इतने सारे यहाँ पे साइंटिस्ट खड़े हैं, इनको फटाफट से मारना शुरू कर दे। ये ले, अभी चुपचाप इन सबको मारेंगे, पता चले कुछ अलार्म वलार्म बचे, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं करनी है, मुझे और किसी से लड़ना नहीं है, मुझे बस कैसे कि वो गोल्ड वाला सोनिक चाहिए। वो एक तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी पावर्स वाला है और बहुत ही ज्यादा महंगा भी। फटाफट से साइंटिस्ट को मारते हैं और इन वाले साइंटिस्ट को भी मारते हैं। ये निकल यहां से, अभी मैंने इसको मार दिया है और यहां पे सिर्फ दो साइंटिस्ट और बचे, इनको भी मारते हैं। ये निकल यहां से, अबे मरना, ये ले और ये भी ले, तू भी गया। और ये लास्ट वाला बचा है, इसको भी मारते हैं। ये निकल यहां से, अभी मैंने सारे साइंटिस्ट को मार दिया। यहां पे गोल्ड वाला सोनिक है, ऊपर रस्सी पे लटक रहा है, मुझे एक बटन ढूंढना पड़ेगा जिससे ये नीचे। भाई कौन सा बटन है इसका, मुझे फटाफट से ढूंढना पड़ेगा। ये वाला सोनिक तो मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अब देख तो सर यार कितना ज्यादा मस्त है ये। तो बटन नीचे करने के बाद ये अपना सोनिक आ चुका है, ये तो बहुत ज्यादा मस्त है। इसको फटाफट से यहाँ पे लेके चलते हैं, उससे पहले कि कोई आए यहाँ से लेके इसको फुर जाते हैं।
तो गाइस अभी हमारे पास हो चुके हैं टोटल 5 सोनिक के सूट, जो कि यार बहुत ही मस्त है। एक स्पाइडर सोनिक और एक यार गोल्ड वाला सोनिक भी बहुत ज्यादा मस्त है। और अभी हम आ चुके हैं अपने लास्ट सोनिक, जो कि है इविल सोनिक। मैंने इसको लास्ट तक इसलिए रखा था, ऐसा हो सकता था कि ये मुझे मार दे, इसलिए मुझे एक सोनिक का सूट चाहिए था इसे लड़ने के लिए। अब मेरे पास सोनिक के अच्छे से सूट है तो मैं इसे लड़ भी सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप देख सकते हो भाई ये क्या आगे निकाल रहे हैं यहाँ पे। अरे ओ इविल सोनिक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चुपचाप मेरे हवाले हो जा। कौन है बे तू? तू तो इंसान है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे तो पता ही होगा मैं इंसान खाता हूँ, वो भी फ्राई करके। और यार मुझे लगता है मुझे सोनिक के सूट बुलानी पड़ेंगे, और ये मैंने बुला लिया अभी सोनिक को। अब मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। अरे ये क्या, तू सोनिक कैसे बन गया? आजा तो हाथ कर लेते। अबे आजा, डरता हूँ क्या मैं तेरे से? इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, कैसे भी करके। मुझे ये ईविल वाला सूट तो कैसे भी करके चाहिए होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक वाला सूट है, इसलिए मुझे ये चाहिए ही होगा। निकल यहाँ से, मुझे अपना पूरा दम लगाना पड़ेगा इसको यार मारने के लिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला मैं इसको। ये ले आज कहाँ गया ये? और भाई साहब ये कर रहे हैं, मेरी शक्तियों का तेरे को अंदाजा नहीं है। अबे ये कहाँ गया? अबे ये क्या करे जा रहा है? मैं इस पूरी दुनिया को काला बना सकता हूँ। अबे इसको यार मेरे को इसकी शक्तियाँ यूज करने से मुझे रोकना पड़ेगा, मेरे को इसको लगातार मारते रहना पड़ेगा, ताकि अपनी खतरनाक वाली शक्तियाँ यूज ना कर सके। अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है? अबे यार ये कहाँ जाए जा रहे भाई, अभी तो मुझे दिख भी नहीं रहा भाई साहब। यहाँ पे सारे के सारे लोग मर चुके भाई, क्या कर दे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अबे ये क्या कूदा कूदी कर रहे हैं? अबे आजा, डरता है कि तू मेरे से? आजा सोनिक, आजा। अबे यार मुझे लगता है मेरे को खत्म जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, मुझे यार कैसे भी करके इविल सोनिक वाला सूट चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक सूट है। वो सारे सूट में मिला भी लूं तो इतना तगड़ा वाला सूट नहीं बनने वाला। ये ले निकल यहां से। अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं इसको बिल्कुल भी चढ़ने वाला। अरे भाई साहब ये तो बहुत ही बुरा मार रहा है। अबे डंडे वंडे उड़ने लगे मेरे ऊपर। अबे यार इसको ये ले निकल यहां से, ये ले। अरे भाई साहब, अरे बड़ी बड़ी इसको ये ले निकल यहां से। अब मेरे को लग रहा है इसको ये कमजोर होता जा रहा है, मेरे को और मारना पड़ेगा। अबे चुप रे यार, पका मत, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ये ले इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। ये निकल यहाँ से। अरे तो फिर से खड़ा हो गया भाई, इसमें देखो कितना ज्यादा दम है। मैं इसकी पूरी पूरी गर्दन तोड़ रहा हूँ, फिर भी इसको कुछ नहीं हो रहा। ये ले मर जा, अबे मर जा। अरे अबे मर क्या गया ये? अरे भाई साहब ये तो मर गया। अरे आखिरकार भाई साहब, इसकी मैंने कितनी बार गर्दन तोड़ी, फिर जाके ये मरा है। आखिरकार ये मर चुका है, और मुझे इविल सोनिक का सूट भी मिल चुका है। भाई बहुत ज्यादा थका दिया इसने मुझे तो यार। तो गाइस ये है मेरे सारे के सारे खतरनाक वाले सोनिक सूट। अभी आप देख सकते हो कि ब्लू, येलो और गोल्डन और इविल और स्पाइडर और ग्रीन हल्क वाला सोनिक हमारे पास आ चुका है। बहुत ही ज्यादा तगड़े तगड़े सोनिक हमारे पास आ चुके हैं। आप फटाफट से कमेंट बताओ आपको सबसे बेस्ट सोनिक कौन सा लगा। मुझे तो ये इविल सोनिक सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है, और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इन सारे सूटों को मिला के कंबाइन करा जाए, फिर देखते यार क्या बनता है। अगर आपको वो देखना है तो फटाफट से कमेंट में बता देना। तो गाइस यार आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके जॉनर फॉलो कर लो, वहां पे बैठ के मस्त बातें करेंगे। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।